हे गाइज, हेलो एंड वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल आर डी ब्रांच। सो गाइज, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल दैट इज RRC साउथ सेंट्रल रेलवे के तरफ से अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली गई थी, जो कि अक्टूबर महीने में निकाली गई थी। तो गाइज, इसका जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन दैट इज DV वगैरह हो गए, और उसके बाद जो है अभी फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया गया है। फाइनल मेरिट लिस्ट या फिर इसको ज्वाइनिंग मेरिट लिस्ट भी कह सकते हैं। दैट मीन्स कि ये पूरा फाइनलाइज्ड रिजल्ट है, जिसमें कि अगर आपका नाम है तो आप जो है अप्रेंटिसशिप इस बार करने के लिए एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, ये जो आप लोगों के जो सेशन है 20-22 सेशन के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देख लीजिए गाइस, पूरा फुल डिटेल नोटिफिकेशन आया हुआ है। साथ साथ कितना कटअप गया है हर ट्रेड में वो भी देखने वाले हैं, कितने बच्चों को रिजेक्ट किया गया वो भी देखने वाले हैं, कितना का सिलेक्शन हुआ वो भी देखने वाले हैं। उसके बाद जो है मेरिट लिस्ट में तो आपका नाम आ गया, लेकिन ज्वाइनिंग ओवर के बारे में भी हम लोग यहाँ बात कर लेंगे। तो गाइस, यहाँ पे अगर चैनल पर न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिनका सिलेक्शन इसमें नहीं हुआ होगा उनके लिए घबराने की बात नहीं है। आप लोगों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है कि ईस्टर्न रेलवे का अप्रेंटिसशिप आ चुका है। साथ ही साथ 21 अप्रैल को अप्रेंटिसशिप मेला भी लगने जा रहा है आपके जिला में, जहाँ की मैंने ऑलरेडी वीडियो दे रखा है, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। और इसमें भी रेलवे की कंपनियाँ आ रही हैं, मतलब कि रेलवे के जोन्स जो है आ रहे हैं, तो आप लोग यहाँ से भी अप्रेंटिसशिप कर पाइएगा। साथ ही साथ जो है आपका BLW बनारस लोकोमोटिव वर्कशॉप से वैकेंसी आया हुआ है अप्रेंटिसशिप का रेलवे का, और PLW से भी आया हुआ है, ठीक है, पटियाला लोकोमोटिव वर्कशॉप से आया हुआ है। तो तीन अभी फिलहाल वैकेंसी आउट है जिनका नहीं हो सका उनके लिए, और 21 अप्रैल को भी आपके पास चांसेस हैं। तो देख लीजिए, हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो है टोटल 2406 बच्चों का जो है सिलेक्शन हुआ है, प्रोविजनली सिलेक्टेड है फिलहाल के लिए, ठीक। प्रोविजनल सिलेक्शन का मतलब क्या हुआ कि उनको अभी मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह देना पड़ेगा, और फिर जाकर रिपोर्ट करना होगा, उसके बाद ही फाइनल कहलाएगा। अब देखिए, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो देख लीजिए, यहाँ पे जो स्लेट जो आए हुए थे, मतलब कि स्लॉट्स जो थे, ठीक है, तो स्लॉट्स देख लीजिए यहाँ पे कितना था। तो ये कुछ था 4103 था, और जिसमें से कि जितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, कितना हुआ है, तो 2406 बच्चों का, जिसमें कि देख लीजिए यहाँ पे 250 बच्चे 250 स्लॉट्स थे, मतलब कि 250 सीट थी AC मैकेनिक में, और सिलेक्शन कितने का हुआ, 153। तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रोड्यूस करने के कारण, या फिर किसी रीज़न से जो है जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पे जो है इसलिए इतना जो है कम संख्या हुआ, मतलब सीरियस में तो हाफ सिलेक्शन हुआ है। यदि इलेक्ट्रीशियन की बात करेंगे तो 1019 पोस्ट था, जिसमें कि 616 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, फिटर में 1460 में 856 बच्चों का सिलेक्शन हो पाया है। बात करेंगे टोटल देख लीजिए, तो यहाँ पे आप लोगों के जो है टोटल प्रोविजनल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो है 2506 हैं, रिजेक्टेड हो चुके हैं 3366 बच्चे, रिजेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। रिजेक्टेड कैंडिडेट्स एज दे रिमेंड एबसेंट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्यों रिजेक्ट हुआ, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आए ही नहीं इस वजह से। और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में भी 16 बच्चों को रिजेक्ट कर दिया गया, और 107 बच्चों को जो है अभी स्टैंड बाय मोड पे रखा गया, मतलब वेटिंग लिस्ट में उनको रखा गया। अब देख लीजिए, यहाँ पे कहा गया है कि जो भी आप लोगों को मिला है यूनिट, जो भी यूनिट मिला है वो चेंज नहीं हो सकता है, क्योंकि आप लोग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आके उन चीज़ों को चूज़ किए हैं। दूसरी बात कि ये जो है प्योरली मेरिट पे बनाया गया है, इस वजह से। देखिए, यहाँ बात कर लेते हैं, तो जो भी आपके रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर है उसमें SMS भेजा जाएगा 15 से 20 दिन पहले, जब ट्रेनिंग क्या होगा स्टार्ट होगा, ट्रेनिंग जब आपकी स्टार्ट होगा उसके 15 से 20 दिन पहले आपको जो है एक मेल जाएगा, तो वो मेल या फिर SMS जाएगा, तो वो आप लोगों को उसके बाद आना होगा, उसमें डेट वगैरह वेन्यू वगैरह सब कुछ लिखा हुआ रहेगा। तो वो मेल जब आएगा तो गाइज आप लोग को जाना पड़ेगा, और चैनल पे भी आपको अपडेट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी मेल वगैरह भी आता है तो मैं बता देता हूँ। हालांकि जो है मेल आप लोग भी मुझे सेंड कर सकते हैं itibrains1@gmail.com पर। चलिए, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी लेकर के जाना होगा, और यहाँ पे रेलवे की तरफ से भी जो है मेडिकली जो है आई थिंक की बाद में कराया जाता है, तो वो देख लीजिएगा। उसके बाद देख लीजिए, यहाँ पे कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू वेट। देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको वेट करना होगा जब तक मेल वगैरह नहीं आ जाता है तब तक के लिए। उसके बाद कोई भी अगर समस्या है, कोई इंक्वायरी करना है, तो इस नंबर पर 0402777884 पे आप लोग सुबह 9:15 से लेकर के 5:45 तक कर सकते हैं, हर वर्किंग डेज, मतलब संडे उंडे के दिन नहीं। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का ये फॉर्मेट है, ये आप लोग जो है PDF मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम ग्रुप में आपको ये PDF सारा मिल जाएगा, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। चलिए, हम लोग बात कर लेते हैं कट ऑफ का। तो देखिए, कट ऑफ भी दिया गया है, अलग अलग
जो है ट्रेड्स का, देखिए कट ऑफ कितना कम गया है गाइज। तो यहाँ पे एसी मैकेनिक का देखिए, क्योंकि लड़के ही यहाँ पे जो है सेलेक्ट कम हुए हैं। और तो यहाँ अनरिजर्व का देखिए बात करते हैं 72.94, ओबीसी का 70 पॉइंट समथिंग है, एसटी का 62 पॉइंट और एससी का 67 है। कारपेंटर की बात करेंगे देखिए 76 गया हुआ है एसटी के लिए। इलेक्ट्रिशियन की बात कर ले, देखिए इलेक्ट्रिशियन फिर भी 80 लगभग चल ही जाता है। और मैंने ईस्टर्न रेलवे का भी जो है जो बच्चे फॉर्म भरना चाहते हैं उनका भी कटअप के बारे में बताया है, फिर बीएलडब्ल्यू का भी कटअप लिस्ट कितना जा सकता है वो बताया है। एसटी का देखिए 81.5 लगभग, देखिए 80-81 ऐसे करके गया है, और अनरिजर्व का 83 गया है। फिटर की बात करेंगे 74, 72, 74, ये 59 मात्र चल गया ईडब्ल्यूएस के लिए, 77 हो गया अनरिजर्व, मतलब कि 75 प्लस था तो आपका हो जाता फिटर में। इलेक्ट्रिशियन में 80 अभाव आता है आपका। देखिए मेरिट लिस्ट किस आधार पर बनाया जाता है, तो 10th और ITI के आधार पर बनाया जाता है। तो इन दोनों का मार्क्स जोड़ के डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, आपका निकल जाता है एवरेज। और अदर ट्रेड्स का देख लीजिए, यहाँ पे तो MMTM है, MMW है, पेंटर है, वेल्डर है, तो इन सब में आप लोग अपना कट ऑफ देख पाइएगा। अब यहाँ पे देखिए उन लड़कों का सिलेक्शन है जिनका कि हुआ है, मतलब कि जो कि 2406 बच्चों का जिनका कि ट्रेनिंग के लिए जो कि एलिजिबल हैं, और इनका सारा डिटेल्स यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग। तो ये सारे डिटेल्स हैं उनके, आप लोग भी अपना जिनका जिनका सिलेक्शन हुआ जरूर चेकआउट कीजिएगा, ये आप लोग को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। मैं आपको बार बार बोलता भी हूँ टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ कर रहिएगा, कभी कभी वीडियो अगर नहीं दे सका तो मैं वहाँ पे मैसेज जरूर दे देता हूँ, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन जरूर दे देता हूँ। तो यहाँ पे ये जो है 221 पन्ने का पूरा देखिए यहाँ पे जो है PDF है, तो इतना बता पाना तो बिल्कुल मुश्किल है, लेकिन हाँ ट्रेड वाइज जो है आप लोगों को यहाँ पे सभी बच्चों के यहाँ पे लिस्ट जरूर मिल जाएंगे जिनका कि प्रोविजनली सिलेक्शन जिनका हो पाया है। ठीक है, तो अपना नाम जरूर चेकआउट कीजिएगा, और जब इसमें जब बुलावा पत्र आ जाएगा, मतलब आपको जब जाने की जब घड़ी आएगी, उस टाइम में भी आपको इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास करूंगा। बट इन जितने भी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, अगर किन्हीं को मेल आता है तो मुझे फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा, ताकि मैं वीडियो के माध्यम से बाकी आपके फ्रेंड्स जिनका हुआ है उनको भी सूचना दे सकूँ। ठीक है, क्योंकि बेहद ज़रूरी होता है। तो गाइस चलिए, यहाँ पे जितनी भी अपडेट्स थी, जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी, सभी मैंने आपको दे दी है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, दोस्तों तक वीडियो को भी शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली जानकारी में, तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।